इसको मिल गया सलमान, तुम्हें मिल गया दावर, मैं रह गई बेचारी अकेली। रिदा ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग गलत समझ। इतना ब्लश कर रही है रिदा, अब तो तुम्हारी शादी दावर से ही होगी। चलो मेरी ना सही, इस घर से दावर की किसी से तो शादी होगी। अम्मी से मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। मुझे ये बताओ, घर लाने के बजाय तुमने इसको सड़क पे ही मारा। दुश्मनी निकाल रही थी ना, यहाँ लाती हमारे सामने बात करती। ऐसी होती है बहनें? भाई ऐसे आवारा हो ना तो बहनों को ऐसा होना पड़ता है। धूप से मुंह छुपाने के लिए दुपट्टा क्या ओढ़ लिया, अपना ही भाई मुझे छेड़ने लगा। बाबा माइंड मत कीजिएगा, मैं आपकी जगह होती ना ऐसा खींच के थप्पड़ इसको लगाती, आइंदा किसी लड़की को या बाजार में तंग ना करता। लेकिन पता नहीं आपकी गैरत नास हो गई है। चुप हो जाओ, चुप। हम तो चुप ही हैं और आइंदा भी चुप ही रहेंगे, लेकिन आप कब तक चुप रहेंगे? बेटे और बेटियों में इस फर्क का हिसाब तो आपको देना ही होगा। तुम भी आ रही हो? क्यों? ये दावर आ रहा है यहाँ। अरे इस वक्त? अरे प्यार में तो ऐसा होता है। तुम ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। ये ड्रेस तो बहुत प्यारे। सुनो, दावर तो यहाँ आता जाता रहेगा, उसे तो रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसके लिए तैयार होकर बैठा करो। तुम्हें तैयार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसे। वो असल में मैं पूछना तो यही चाहता था, बिकॉज मुझे बाहर जाना है, तो मैं चाह रहा था कि उससे पहले अगर शादी हो जाती तो। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप फौरन अपने पेरेंट्स को ले आए। हाँ लेकिन आपकी अम्मी इनकार तो नहीं कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हमारी अम्मी को बहुत टेंशन है हमारी शादियों की, और माहम जो आपको पसंद करती है उसकी तो किसी बात पे इनकार नहीं होता हमारे घर में।